हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे एपी में। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में हमने क्या पढ़ा था, समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम 5.3 के अंदर समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, कि कोई भी श्रेणी दी हुई है और उनके सभी पदों का अगर योग ज्ञात करना है तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है एस एन बराबर एन अपॉन टू फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अलावा अथवा में अगर हम एस एन को n अपॉन टू लिखकर 2a की जगह लिख दें a प्लस ए, 2a को हमने क्या लिख दिया, a प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एन। तो इसी सूत्र को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस इस पूरे की जगह ए एन। तो इस सूत्र को हमने इस रूप में बदल दिया। तो समांतर श्रेणी का एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र एक तो ये होगा और एक ये होगा। तीसरा, कभी कभी एस एन बराबर एन बटावा दो ए प्लस एल भी इसे बोलेंगे, कि ए एन को हम एल भी बोलते हैं। एल का मतलब लास्ट नंबर, अंतिम पद। तो ए एन का मतलब भी अंतिम पद होता है और एल का मतलब भी अंतिम पद होगा। तो इस तरह से आपको ये तीन सूत्र जो है प्रश्नावली 5.3 के लिए अच्छी तरह से याद करने हैं, समांतर श्रेणी का एन पदों का योग याद करने के लिए। प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का आपको योग ज्ञात करना है। पहली समांतर श्रेणी आपको दी हुई है 1, 3, 5, 7 और इसके 12 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। इसका मतलब कि यहाँ पर n बराबर कितना है, 12। तो n बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर इसका 12 है। प्रथम पद a बराबर है 1, सार अंतर d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो 3 माइनस 1 d बराबर 2। और हमें क्या ज्ञात करना है, 12 पदों तक योग, मतलब कि s 12 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है योग वाला, एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब एस एन, एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 12, तो एस 12 12 बटावा 2 टू इंटू ए, ए की जगह पर 1, 12 माइनस 1 और डी बराबर 2। अब 12 को जब 2 से भाग देंगे तो 6 इधर 2 एक कम 2, 12 माइनस 1 11 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर 6 2 प्लस 11 दुनी 22, तो 6 इंटू 24, 6 चौक 24 और 6 दुनी 12 13 14। तो अतः इस समांतर श्रेणी का 12 पदों तक योग बराबर होगा 144। इसी का दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी दी हुई है और इसके 22 पदों तक आपको इसका योग ज्ञात करना है। n बराबर 22, a प्रथम पद 8, सार अंतर d बराबर 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 5 और हमें s 22 ज्ञात करना है। s n बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह हम लिख देंगे 22, 22 बटावा 2 टू इंटू ए की जगह पर 8, 22 माइनस 1 और डी बराबर माइनस का 5। 22 को जब 2 से भाग देंगे तो 11, 2 अठा 16 प्लस 22 माइनस 1 20 इंटू माइनस 5 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस पहले लगा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, 22 माइनस 1 यहाँ आएगा 21। ठीक है, अब 11 16 माइनस 5 एकम 5 और 5 दुनी 10, 16 माइनस 105 करना है हमें, 11 इंटू माइनस करेंगे 16 इसमें से, तो 15 माइनस 16 करेंगे तो 9,
फिर यहाँ पर 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 और माइनस का साइन रहेगा, गुणा करना है हमें 89 का 11 से, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 979। अतः एस 22 बराबर 979, 22 पदों तक का कुल योग हमारे पास में माइनस का 979 आएगा। तीसरा सवाल है 1/15, 1/12, 1/10 और इसका हमें 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो एपी में 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, इसलिए एन बराबर 11। प्रथम पद ए बराबर है 1/15, सार अंतर डी बराबर A2 माइनस A1, 15 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 60 एलसीएम, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 15 चौक 60, 4 एकम 4, तो हमारे पास में आ गया 1/60, डी बराबर आ गया 1/60। अब हमें फॉर्मूला लिखना है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 11/2, 2 इंटू ए की जगह पर 1/15, एन माइनस 1 11 माइनस 1 और डी का मान है 1/60। 11 और 2 नहीं घट रहे हैं तो 11/2 ही रहेगा। फिर इधर कोष्टक में 2 एकम 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कट जाएगा। अब 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब एलसीएम लेना है वापस से, 11/2 और 15 और 6 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 6 तीनों पंजे 15 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 5, तो हमारे पास में आ जाएगा एलसीएम 30, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 6 पंजे 30 और 5 एकम 5। अब 11/2 इंटू 5 और 4 9/30, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो हमारे पास में क्या बचा, 11/2 इंटू 3/10, ठीक है। गुणा करेंगे 11 3 33 और 2 10 20, अतः एपी के 22 पदों तक का योग बराबर है 33/20, ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल है निम्नलिखित श्रेणियों का आपको योग ज्ञात करना है। पहले वाले सवाल में जो एपी दी हुई थी उसमें क्या था कि एपी दे दी और आपको कहा कि इसके 12 पदों तक योग ज्ञात करो या 22 पदों तक। यहाँ पर इस सवाल में श्रेणी इस फॉर्म में दी, बीच में प्लस 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 लगा के इसका अंतिम पद दे दिया। एन बराबर आपको नहीं मालूम है कि इस एपी में कितने पद हैं, शुरुआत दे दी एपी की और अंत दे दिया, मतलब फर्स्ट और लास्ट दे दिया। एन भी आपको खुद ज्ञात करना है और योग भी आपको ही ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मालूम है, प्रथम पद ए बराबर मालूम है 3, सार अंतर डी बराबर होगा 11 माइनस 3 करेंगे तो 8, और अंतिम पद हमें मालूम है ए एन बराबर 803। ये तीन चीज़ें हमको मालूम है, प्रथम पद मालूम है, सार अंतर मालूम है और अंतिम पद मालूम है। हमें यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2। सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पर एन नहीं मालूम है, तो हमको योग ज्ञात करने के लिए पहले एन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद में हम एस एन ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब आपको एन भी ज्ञात करना है और एस एन भी ज्ञात करना है। हमें जो तीन चीज़ें मालूम है ए डी और ए एन, इन तीनों को हम काम में लेके कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, ए एन वाला, क्योंकि ए एन मालूम है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन वाले सूत्र से हम पहले क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे और उसके बाद में एस एन। तो हमारा पहला फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए एन की जगह हम लिखेंगे 803, ए की जगह पर लिखेंगे हम 3, एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 8। 803 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 8। 803 में से 3 माइनस करेंगे तो 800 बराबर एन माइनस 1 इंटू 8, ये 8 इंटू में है तो ये चला जाएगा अपॉन में, तो 800/8 बराबर एन माइनस 1,
800 और 8 कट जाएगा, 100 बराबर n माइनस 1। माइनस का एक इधर आएगा तो n बराबर 100, माइनस एक इधर आया तो प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 101। हमारे पास में समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आ गई कि इस श्रेणी में कुल 101 पद है। अब हम निकालेंगे योग Sn, Sn बराबर n अपॉन 2। a प्लस an वाला सूत्र यहाँ पर लग सकता है, आप चाहो तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमारे दूसरे फार्मूले जो है a प्लस an वाला, अगर ये छोटा है तो लगाओ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमको an मालूम है, इसलिए हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, an वाला। n की जगह पर लिखेंगे 101 बटा हुआ 2, a की जगह आएगा 3 और an की जगह आएगा 803, तो ये हो जाएगा 101 बटा हुआ 2 इंटू 803, और 3 को जोड़ेंगे तो 806, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 101 का गुणा करना है हमको 403 से, तो 403 और यहाँ पर आ जाएगा 403, तो हमारा आंसर है 40703। अतः इस समांतर श्रेणी में पदों का योग बराबर आ जाएगा 40703। दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी दी हुई है, यहाँ पर भी जैसे हमने उसको किया है वैसे ही अंतिम पद मालूम है, पहले n ज्ञात करना पड़ेगा फिर हम निकालेंगे Sn। तो सबसे पहले a बराबर है 7 और d ज्ञात करने के लिए 2 × 20 और एक 21 बटा हुआ 2 माइनस करना है इसमें से 7, तो एलसीएम लेंगे हम 2 × 2 = 14, 21 माइनस 14 करना है तो d बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा हुआ 2। अंतिम पद an बराबर है 84, हमें यहाँ पर n ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर Sn भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने वहाँ पर an वाला फॉर्मूला काम में लिया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह लिखेंगे हम 84, a की जगह लिखेंगे 7, n का मान हमें नहीं मालूम है और d का मान है 7 बटा हुआ 2। ये प्लस का साथ इधर जाएगा तो 84 में से 7 माइनस करना है, इधर n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2, 84 में से जब 7 माइनस करेंगे तो आएगा 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। ये 7 बटा हुआ 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा 2 बटा हुआ 7, ठीक है, और बराबर में n माइनस 1। ये 7 से 77 कटेगा 11 बार और 11 दुनी 22, माइनस का किधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n, तो हमारे पास में n बराबर आ गया 22 और 1 23, मतलब कि समांतर श्रेणी में कुल 23 पद है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे Sn, Sn बराबर n बटा हुआ 2 a प्लस an, n का मान हमारे पास में आया 23 बटा हुआ 2, a का मान है 7 और an बराबर है 84, ठीक है। अब 23 बटा हुआ 2 इंटू 84 प्लस 7 करेंगे तो 91, अब हमें 23 का 91 से गुणा करना है, 2093 अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जब हम 2093 को भाग लगाएंगे 2 से तो यहाँ पर ये 0, फिर 2 चौक 8, फिर ये यहाँ पर 3, फिर 2 छंग 12, तो शेषफल बचा हमारे पास में 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1046 सही 1 बटा हुआ 2। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट में आंसर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी जो समांतर श्रेणी जिस रूप में होती है उसी रूप में हमारा आंसर होना चाहिए, या तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या आ जानी चाहिए थी या फिर संख्या पॉइंट में नहीं लानी, आपको संख्या किस रूप में लेके आनी है, मिश्र संख्या लेके आने, क्यों? क्योंकि एपी में भी मिश्र संख्या, इसलिए हमारा आंसर होगा 1046 सही 1 बटा हुआ 2। तीसरा सवाल है, समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि इसका योग हो जाए 636। कितने पद, कितने पद का मतलब कि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी में कितने पद लिए जाएंगे जिससे कि इसका योग कितना हो जाए 636। अब आपको क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, तो योग का मतलब हमें क्या मालूम है, Sn बराबर दिया हुआ है 636, ठीक है। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर है 9,
सार अंतर डी बराबर 17 माइनस 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 8। बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मालूम है। इन तीन चीज़ों को काम में लेके हमें क्या ज्ञात करना है, एन। सबसे पहली बात, हमें एस एन मालूम है, इसलिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन वाला। एस एन बराबर एन बटा हुआ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह है एस एन। अब एस एन की जगह लिखेंगे हम 636 बराबर एन बटा हुआ 2a, a की जगह है 9, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान 8, ठीक है। अब पक्षांतर कर देंगे इस 2 का इधर, 636 इंटू 2 बराबर, बाहर n है, 9 दुनी 18। अब यहाँ पर n का मान है ही नहीं तो माइनस नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप इस 8 को अंदर ले जाओ, 8 इंटू n, 8n, 8 एकम 8, ठीक है। 636 इंटू 2 बराबर n, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 प्लस 8n, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटू 2 दिख रहा है तो यहाँ पर 10 और 8 में से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ताकि इधर भी 2 बाहर आएगा और इधर भी तो ताकि 2 से 2 कट जाए, तो हम कॉमन ले रहे हैं 636 इंटू 2 बराबर, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले रहे हैं और n है ये बाहर, तो कोष्टक के अंदर बचेगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ऐसा करने से क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, संख्याएं थोड़ी छोटी हो गई। अब हमारे पास में इस n को अंदर लेके जाना है, तो 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण को जमाना पड़ेगा पहले। कैसे जमाएंगे, सबसे पहले स्क्वायर आएगा, फिर n आएगा और लास्ट में आता है अचर पद। सबसे पहले मैं इसको जमा रही हूँ, 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये प्लस का 636 इधर आएगा तो माइनस का 636 और बराबर में 0। द्विघात समीकरण हमारे चैप्टर 3 में आएगा, बहुपद पढ़ेंगे हम वहाँ पर, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर आ चुका है इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि जब भी ऐसा कोई द्विघात समीकरण आ जाए तो उस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, यहाँ पर जो भी चर होगा, n है तो n, अगर x होता तो x, तो यहाँ पर n है इसलिए n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर a बराबर है 4, b बराबर है 5 और c बराबर है माइनस का 636। a का मतलब कि n स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब n का गुणांक और c का मतलब जो अचर पद है जिसके साथ में कोई अल्फाबेट नहीं है वो c। तो यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया। अब हम यहाँ मान रखेंगे, माइनस b का मान है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए की जगह पर 4 और सी की जगह माइनस 636 और बटावा 2 इंटू ए की जगह क्या है 4, माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 चौक 16 इंटू 636 और बटावा 2 चौक 8, ठीक है। 636 का इंटू करना है 16 से, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, गुणा करने पर हमको मिला यहाँ पर 25 प्लस 16 इंटू 636 का गुणा करने पर मिला हमको 10176 और बटावा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस 10201 बटावा 8। अब हमें इसका रूट ज्ञात करना है, तो रूट ज्ञात करने के लिए यहाँ संख्या लिख दी 10201, फिर दो दो के जोड़े बनाएंगे, ये पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। एक लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक का एक से ही गुणा करेंगे और यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं वही हम ऊपर लिखते हैं, तो एक के कम एक, माइनस करने पर आ गया 0, अगला पूरा जोड़ा लिखेंगे 0 और 2 और यहाँ इन दोनों को जोड़ा तो 2। अब 2 लाने के लिए हम 2 का कैसे गुणा करें, अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखूँगी तो 21 बन जाएगा, हमको तो सिर्फ 2 चाहिए, तो 1 से छोटी संख्या क्या होती है 0 और ये 0, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 और 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 और यहाँ पे क्या बन गया 0, 20 प्लस 0 करेंगे तो 20।
अब अगला जोड़ा है 201, तो बीज के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिखोगे 201 आ जाए, तो बीज के साथ में हम एक लिखेंगे, तो 201 का जब एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी एक, तो हमारे को मिलेगा 201। इसका मतलब कि 10201 का रूट कितना आ गया 101। तो यहाँ हम मान लिख देंगे -5 प्लस माइनस रूट आया हमारे पास में 101 और बटा हुआ 8। अब यहाँ पहुँचने के बाद में ये प्लस माइनस है, इसका मतलब कि एक बार आपको प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का साइन, तो n बराबर -5 प्लस 101 बटा हुआ 8, 101 बटा 8, तो यहाँ पर n बराबर 101 माइनस 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 96 बटा हुआ 8, तो n बराबर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, n बराबर कितना आ गया 12। अभी हमने क्या किया है, प्लस का साइन लिया है, अब हम माइनस का साइन लेंगे, तो -5 माइनस 101 बटा हुआ 8 करने पर हमको मिला माइनस, माइनस जुड़ेंगे माइनस 106 बटा हुआ 8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि n का मान हमेशा एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और प्लस में धनात्मक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब कि माइनस की संख्या को आपको यहाँ पर निरस्त करना पड़ेगा, तो पदों की संख्या बराबर हमारा आंसर क्या होगा 12, n बराबर 12। तीसरे का दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि इसका योग 693 हो। कितने पद का मतलब क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, n हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रथम पद a बराबर है 63, सार अंतर d बराबर 60 माइनस 63 करेंगे तो माइनस का 3, और s n बराबर है 693। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की जगह लिखेंगे हम 693, एन का मान हमें नहीं मालूम है, टू ए टू इंटू ए की जगह 63, एन माइनस वन और डी का मान है माइनस का 3। अब यहाँ पर हम दो को इधर ले जाएंगे, 693 इंटू टू इधर n, 63 का 2 से गुणा करेंगे तो 126 प्लस, अब यहाँ पर माइनस 3 का जब n से गुणा करेंगे तो माइनस 3n, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 3 का n से गुणा करेंगे तो माइनस 3n और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एकम 3। यहाँ पर 693 इंटू 2 बराबर n, 126 और 3 जुड़ेंगे तो 129 माइनस 3n। अब यहाँ पर भी हम एक बार कॉमन लिख के देख लेते हैं, अगर 2 तो कॉमन आएगा नहीं, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है दोनों में से। अब यहाँ इसमें और इसमें ऐसी कौन सी संख्या कॉमन निकाले कि कट जाए, तो 3 के पारे से ये कट रहा है, इसमें भी 3 है और 3 के पारे से ये भी कट रहा है, इसका मतलब सब में से अपन 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 को कॉमन ले रही हूँ, 3 दुनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और इंटू 2 चलेगा साथ में, बराबर यहाँ से भी 3 कॉमन ले रहे हैं और ये n है ये, तो कोष्टक के अंदर 3 चौक 12, 3 तिया 9 और ये 3 बाहर चला गया तो यहाँ पर n। ऐसा करने से क्या हुआ, 3 से 3 कट जाएगा। कॉमन इसलिए लेते हैं हम कि संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाए, आप नहीं लोगे कॉमन तो हो जाएगा, संख्याएं बड़ी आएगी और सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में 231 का 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दुनी 4, कोष्टक के अंदर ले जाएंगे n को तो 43 n माइनस n स्क्वायर। अब वापस द्विघात समीकरण बन रहा है, जमाना है हमको, सबसे पहले आएगा आगे माइनस n स्क्वायर, फिर प्लस 43 n और इधर जाएगा तो माइनस का 462 बराबर 0। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस को आप चाहो तो हटाओ और नहीं हटाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर माइनस को हटाएंगे तो माइनस कॉमन n स्क्वायर, जब कोष्टक के बाहर माइनस कॉमन ले रहे तो अंदर साइन चेंज करना है, माइनस 43 n और प्लस 462 बराबर 0, ये माइनस कहाँ जाएगा 0 के अपॉन में, तो ये पूरा का पूरा हो गया 0। तो हमारा द्विघात समीकरण है n स्क्वायर माइनस 43 n प्लस 462। द्विघात समीकरण तैयार हो गया है। अब a बराबर n स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब कि 1, b बराबर n का गुणांक क्या है माइनस का 43 और c बराबर 462। ठीक है, सूत्र लिखेंगे हम,
एन बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में आएगा टू ए माइनस बी, माइनस बी की जगह है माइनस का 43 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि माइनस 43 का स्क्वायर माइनस फोर ए और सी, और बटावा में है 2 × 1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस, अब हमें यहाँ पर 43 का स्क्वायर करना है और 462 को 4 से गुणा भी करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और गुणा भी कर देते हैं। तो 43 का जब स्क्वायर करना है तो हमको मिलेगा 1849, और यहाँ पर 462 का 4 से गुणा करने पर 1848 और अपॉन में 2 × 1 = 2, तो 43 प्लस माइनस 1849 में से 1848 माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ 1 और बटावा 2। एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का, तो एक बार मैं प्लस ले रही हूँ, 43 प्लस 1 का रूट तो 1 ही होता है बटावा 2, और एक बार माइनस का साइन लेने पर 43 माइनस 1 बटावा 2, तो n बराबर 43 और 1 44 बटावा 2 करेंगे तो n बराबर 22, एक आंसर तो ये आ गया। इधर से 43 माइनस 1 42, 42 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा 21। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस में आई तो इसका मतलब कि n बराबर 22 और n बराबर 21 दोनों ही आंसर अपने मान्य हैं, मतलब कि इस एपी में या तो 22 पद होंगे या फिर 21 पद होंगे।